मुझे लगता है कि आज के समय में हर कोई ये बात जान चुका है कि लोकतंत्र की ताकत है और हमारे एक वोट की ताकत है, जिसके वजह से आज भारत पूरी दुनिया में शक्तिशाली बना है और भारत का डंका पूरे दुनिया में बज रहा है। तो कोई भी अपना वोट खराब नहीं करेगा और सब लोग जानते हैं कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो हमको यही अपना मतदान करके ही हम बना सकते हैं। चार का जश्न जनता कैसे मनाएगी? जो 90 करोड़ वोटर है वो थोड़ा आगे बता दीजिए तो सुने लोग आपको। मुझे लगता है कि इस बार प्रभु श्री राम के उत्सव में जैसे लोग शामिल हुए थे, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, जैसे शामिल हुए थे लोग, वैसे ही 4 तारीख को एक बार फिर से आप देखेंगे इस देश में, इस देश के तरक्की के लिए, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए फिर एक जश्न मनाया जाएगा और जनता जो है उसके लिए तैयार है। चाहे कितनी भी गर्मी पड़ रही हो पर आप देखिए सब लोग जागरूक हैं और सब लोग अपने मत का मतदान करने के लिए सब लोग बूथ पे आए हुए हैं। यही बताता है कि जो हमारे भारत की जनता है, जिन्होंने अपने वोट के ताकत से ही भारत को पूरे दुनिया में ताकतवर बनाया है, आगे भी विकसित राष्ट्र बनाने का जो हम लोगों का सपना है वो भी साकार होगा। लेकिन ये राहुल गांधी, अखिलेश यादव जो इतना कॉन्फिडेंट में है कि मोदी की अंतिम विदाई तय है, जिस वजह से वो ध्यान में है, ये आप लोगों को विचलित करता है या 4 के बाद उनके लिए ये नारा बदल जाएगा? मुझे लगता है 4 के बाद ये लोग सिर्फ एक ही रोना रोएंगे कि ईवीएम खराब है। 4 तारीख को अगर आप अखिलेश यादव और राहुल गांधी को ढूंढेंगे तो ये मिलेंगे नहीं, और मिलेंगे कहीं तो बोलेंगे ईवीएम खराब है, एक ही रोना रोएंगे ये।